स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बी एस स्टडी ऑल सब्जेक्ट में। तो आज एम जे पी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, बाकी किसी अन्य यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं मेजर में हैं तो उनके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। बी एस सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 है, इसमें न्यू सिलेबस इनकी एन पी के आधार पर है, सब्जेक्ट हिस्ट्री रहेगा। यहाँ पर आपका पेपर कोड आएगा और ये आप पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इनके आधुनिक भारत का इतिहास, इसके संबंध में क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन साथ में भारत का आधुनिक भारत का इतिहास या फिर भारत का आधुनिक इतिहास ये भी लिख सकते हो। 1857 एंड 1950, 1857 से लेकर 1950 तक के जो भी राजा या जो भी हमारे लॉर्ड यानी कि जो भी वायसराय वगैरह आए हैं उन सब के समय का कार्यकाल इसमें स्टडी करेंगे। तो आज की जो हमारी यूनिट है वो थर्ड है, मैं 2 यूनिट अपलोड कर चुका हूँ, साथ में आपको इसका मॉडल पेपर भी मिलेगा, यानी क्वेश्चन पेपर के आधार पर क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, वो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। अन्य किसी यूनिवर्सिटी से या अन्य किसी सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियो जरूर कीजिएगा, प्रत्येक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रत्येक सेमेस्टर की, सेमेस्टर 2, 4 एंड 6 जो भी सब्जेक्ट आपका है तो प्लेलिस्ट एक बार चैनल को ओपन कीजिए और प्लेलिस्ट पर जाइए जरूर। और पेपर कैसे आपको भरना, कैसे OMR शीट फिल करनी है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और आप लोगों के लिए आंसर के लिए इसमें आज हम क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो यूनिट हमारी थर्ड है भारत में कृषि का व्यवसायीकरण, ठीक है, व्यवसायीकरण और इसके प्रभाव, इसको देखेंगे, कंप्लीट यूनिट है इसमें। तो वीडियो लंबा हो सकता है तो प्लीज़ इसको अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि कुछ भी छूट सकता है। अपने 5 दोस्तों में जरूर भेजिएगा, सिर्फ आपका एक लाइक और एक शेयर हमें बहुत कुछ मोटिवेट करेगा। तो प्लीज़ तो आप लोग इस ऐसा ये काम जरूर कीजिएगा और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करके बेल को, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, आर पर प्रेस कर देना। निरंतर किस वर्ष अंग्रेजों को भारत में भूमि खरीदने की अनुमति दी गई, इन्हीं की अनुमति उनको प्राप्त हुई, तो यहाँ देखते हैं 1830 है, आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे, जो राइट होगा वो मैंने हाईलाइटेड कर दिया है। सन 1831 है, ठीक है, सन 1836 है, 1833 ईस्वी में, तो ये आपका डी राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कृषि के वाणिज्यीकरण, कृषि के वाणिज्यीकरण में निम्न में से किस वस्तु का उत्पादन नहीं कराया गया था, कौन सी वस्तु ऐसी नहीं कराया गया था, तो वो था चना, ठीक है। चना वेरी हेल्दी होता है, इसको हमें जरूर अपने इस्तेमाल करना चाहिए, लंच में, ब्रेकफास्ट में एंड डिनर में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये किसी तरीके से आप अपने बॉडी को हमारी मेंटेन रखने के लिए सक्षम है, पर्याप्त है, चाहे आप इसको सब्जी में खाएं या रोटी से खा सकते हैं, इससे जो हमारा शरीर है वो एकदम हष्ट पुष्ट रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है अमेरिका के गृह युद्ध, ठीक है, अमेरिका के गृह युद्ध के कारण निम्न में से किस वस्तु के निर्यात पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, कौन सा सर्वाधिक मतलब प्रभावित होता है, तो वो प्रभावित हुआ कपास। एक समय ऐसा था हमारे इंडिया में कपास का उत्पादन बहुत हुआ था और अधिक उत्पादन होने के कारण इस कपास का निर्यात नहीं हो सका और रिजल्ट मतलब परिणाम ये हुआ कि जितने भी किसान थे वो भुखमरी और अकाल के शिकार हुए और उसी समय बहुत सी जो जनसंख्या कई प्रतिशत जनसंख्या का उसी में विनाश हो चुका था। ब्रिटिश सरकार द्वारा कृषि की वाणिज्यीकरण में परिवहन के लिए किस साधन को सर्वाधिक प्रयोग किया गया या किस साधन ने सर्वाधिक योगदान दिया, तो यहाँ पर आपका है रेल, रेलवे ने बहुत बड़ा सहयोग किया है, योगदान रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, 5 क्वेश्चन में है निम्न में से किसी एक वस्तु के उत्पादन का भारतीय कृषकों ने सर्वाधिक विरोध किया, तो वो कौन सी खेती थी, जूट, जूट का हमारे किसानों ने बहुत विरोध किया कि इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि वो पहला ही एक झेल चुके थे नुकसान, किसका, कपास का। सर्वाधिक कच्चे माल की आवश्यकता ब्रिटेन के कुछ उद्योगों को होती है, यानी कौन सा ऐसा उद्योग जिसको सबसे अधिक कच्चे माल आवश्यकता होती है, तो वो होता है सीमेंट उद्योग, इसकी आवश्यकता बहुत होती है। एक मिनट, सीमेंट उद्योग नहीं, यहाँ पर है आपका लोहा कपड़ा उद्योग, सी ऑप्शन रट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 5th भारत में प्रथम चाय बागान किस राज्य में स्थापित किया या किस राज्य में लगाया गया, तो यहाँ केरल है, उड़ीसा है, असम है, उत्तर प्रदेश है, तो आपका देखिए कैसे आप कैसे चुनाव करेंगे, उड़ीसा में सर्वाधिक बारिश होती है, केरल में सर्वाधिक बारिश होती है, असम में बारिश होती है लेकिन असम ढालू है, ऊंचाई पर है तो वहाँ पानी ठहरता नहीं है, उत्तर प्रदेश समतल में रहता है, इसीलिए आपका सी ऑप्शन राइट जाएगा। और आप लोग किसी भी
इंग्लिश किसी भी सेमेस्टर की स्टडी करना चाहते हैं डीपली, तो आप लोग प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक और आपको लोगो यहाँ पर शो हो जाएगा, उसको देखकर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, दोस्तों से कीजिए, और फ्री स्टडी के साथ में बहुत कुछ अवेलेबल है, तो वहाँ भी आप फ्री स्टडी के साथ में अवेलेबल कर सकते हैं। और बहुत जल्द में लाइव क्लास भी एप्लीकेशन से ही आपको बात करेंगे हम लोग, तो बने रहिएगा, और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको उसका नोटिफिकेशन पहले ही बता दूंगा कि किस समय मैं लाइव आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कृषि पर शाही आयोग, यानी यहाँ पर है शाही आयोग का गठन किस प्रकार किया गया था, कब किया गया था, तो यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इनके सन 1928 में इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है, शाही आयोग का गठन किस प्रकार किया गया था, कृषि आयोग का गठन, ठीक है, शाही नहीं, कृषि आयोग का गठन कब किया गया था, तो यहाँ पर वो किया गया था कृषि गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन आपका है 10, नील की खेती व उसके द्वारा कृषकों के शोषण की कहानी किस पुस्तक में दिखाई गई है, किस पुस्तक में दर्पण किया गया है, तो वो है नील दर्पण। नील दर्पण नाम की एक बुक है जिसमें नील की खेती का जो नुकसान हुआ था किसानों के लिए और उनका शोषण किया गया था, तो वो आपको देखने को मिलेगा। भारत में चाय बागान किस वर्ष लागू हुआ, तो इन 1835 में चाय बागान हमारे भारत में लागू हुआ था, इससे पहले हमारे यहाँ चाय नहीं थी, ठीक है ना के बराबर। क्वेश्चन हमारा अगला है कि क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ऑन कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये पुस्तक है, बुक है, इसके लेखक कौन है, दादा भाई नौरोजी, इन्होंने इसको बुक को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आपके 50 क्वेश्चन है, टाइम लगेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके वाणिज्यिक कार्यों में से किस अधिनियम के द्वारा वंचित कर दिया गया, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जाएगा सी, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका है, बंगाल में प्रमुख रूप से किस मध्यम वर्ग का उदय हुआ, तो बंगाल में प्रमुख रूप से जो था वो मध्यम वर्ग था, जमींदार वर्ग का उदय होता है जब बंगाल का निर्माण होता है, जब बंगाल को बनाया जाता है। भारत में यूरोपीय व्यापारियों ने किस प्रकार व्यापार पर लगभग पूर्ण अधिकार कर लिया था या पूर्ण अधिकार की स्थापना कर ली थी, तो किस पर, वो था आयात कर, आयत व्यापार, एक आयत होता है एक निर्यात होता है, तो आयात कहते हैं किसी को मंगाने वाला, निर्यात कहते हैं अपने यहाँ से उस वस्तुओं कुछ वस्तुओं को बाहर भेजना। किस अधिनियम के द्वारा भगोड़े मजदूरों को बिना वारंट पकड़ने का विशेष अधिकार बागान मालिकों को प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर है आपका, ये दोनों ही हैं, ये सब अंग्रेज़ों को देना है यहाँ पर, क्योंकि मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं, तो मॉडर्न इंडिया में अंग्रेज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं का रोल रहा है। इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट 1882 एंड नेक्स्ट आपका बी है 1859 ई एक्ट का 13, ठीक है, 13वां एक्ट, तो ये दोनों ही थे, इन्हीं दोनों पर वो उसको अरेस्ट करते थे मजदूरों को, जो मजदूर भागते थे उन्हें। अखिल भारतीय कृषि बोर्ड का गठन कब हुआ गया, तो इसका गठन होता है सन 1905 में। अगला क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय पूंजी का एक तिहाई भाग ना किसी रूप में भारत से बाहर ले जाया जा रहा है, ये कथन किसका है, तो ये कथन था महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स, गोविंद रानाडे, ठीक है, गोविंद रानाडे हैं ये। अगला क्वेश्चन आपका है, और पिछले क्वेश्चन में जो मैंने फिजिकल एजुकेशन का अपलोड किया था, तो उसमें जो है पेपर लेस बजट था वो काफ़ी पहले, जो 2021 में लॉकडाउन हुआ था हमारा, तो लॉकडाउन के चलते लगा था वो, तो उसका आंसर आपको करेक्शन मिल गया होगा। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संपदा के दोहन को ब्लीडिंग प्रोसेस संज्ञा किसने दी, यानी किसने ब्लीडिंग प्रोसेस कहा है, तो वो कहा है कार्ल मार्क्स ने। ये सभी इसमें अपने इंडिया में आ चुके हैं 1800, क्योंकि 1600 में आ चुके थे लोग, लॉर्ड मैकाले है, लॉर्ड मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स हैं, लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड रिपन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में इनका बहुत बड़ा रोल रहता है, तो इनकी भी लिए भी हम आपको व्यवस्था कराएंगे कंपटीशन में, अगर आप देना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन किसने किया था, तो राष्ट्रीय आय का प्रथम आकलन जो था डॉक्टर बी के आर बी राव, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसकी स्थापना कौन से साल में की गई थी, तो सन 1929 में, इसके आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पहला वाला आपका राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से किसने
1890 से 1947 तक के काल को कृषि का स्थिरता काल कहा। तो यह है डेनियल टर्नर। तो इन्होंने 1890 से लेकर 1947 तक के जो कृषि काल था उसको कृषि का स्थिरता वाला काल कहा, मतलब कृषि स्थिर हो गई थी, उसमें कोई विकास या डेवलपमेंट या बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। कमियाही नामक प्रथा किस राज्य में प्रचलित थी? तो ये बिहार में भी है और उड़ीसा दोनों में। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जाएगा आ और बा दोनों, यानी कि ए बी दोनों। अगला क्वेश्चन आपका है 24। भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण का एक परिणाम था, किसका परिणाम था? बंधुआ मजदूरी, बी ऑप्शन राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है। और भाई बहुत विकट गर्मी हो रही है, पसीना पसीना हो रहा हूँ, बंद कमरे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसको आप लोग 5 लोगों तक जरूर बताए, आप शेयर कीजिएगा और कमेंट बताइएगा कि आप किसका वीडियो चाहते हैं। 6 सेमेस्टर वाले प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा, 4 सेमेस्टर वाले भी जो भी सब्जेक्ट चाहिए उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप ओपन कीजिए और आराम से आप उनमें स्टडी कीजिएगा। इंग्लिश का एप्लीकेशन पर अवेलेबल कोर्स रहेगा और आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। तो पणियल नामक जो कृषि मजदूर दास प्रथा किस राज्य में थी? तो ये तमिलनाडु की प्रथा है ये। अगला क्वेश्चन आपका 26 है। असम चाय कंपनी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो वो की गई थी कब? 1839 ईस्वी में। और अगला क्वेश्चन है आपका 27। कृषि क्षेत्र में आपदा का महासागर कब पड़ा था? आपदा का महासागर तो 1866 से 1867 के बीच महाकाल आया था, जिसमें व्यक्ति खाने के दाने दाने तरस गया था। ब्रिटेन के बुनकरों के लिए भारत में क्या उगाया जा रहा था? तो वो कपास और रेशम दोनों उगाए जा रहे थे, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही आएगा, सॉरी सी। अगला क्वेश्चन है द बॉन्ड्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का रचयिता कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें और दिए हुए हैं आपके महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, तो दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन आपका है कि नील दर्पण नामक पुस्तक किसकी रचना है? दीन बंधु की है, ये ऑप्शन आपका राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, भारत में मुंबई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी को किसने स्थापित किया? तो कबसाजी डावर ने इसको स्थापित किया था। बाकी हमारे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, रतन जी टाटा हैं, जमशेद जी टाटा हैं, घनश्याम दास बिरला हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन राइट जाएगा। अगला दिया हुआ स्थाई बंदोबस्त एक दुखद भूल थी, तो ये किसका कथन है, यानी किसने कहा ये? तो यहाँ पर ये ओयो ह्यूम्स के आपने सुना होगा उनके बारे में, तो उन्हीं ने ये सब कहा है, कथन इन्हीं का है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इस व्यापार की दुर्दशा का इतिहास में कोई जुड़ नहीं है, भारतीय बुनकरों की अस्थियां मैदान में बिखरी पड़ी हैं, तो ये किसका कथन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये भी ओरिजिन थे, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया इंडिया में। तो वो जब हम कंपटीशन का हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें आपको इन सब के जितने भी हमारे इसमें विदेशी जो लॉर्ड यानी कि जो हैं जिन्होंने हमारे यहाँ राजकीय शासन किया है उन सब के बारे में आपको हम बताएंगे। तो क्वेश्चन आपका है उपरोक्त में किस बैंक का कथन है कि ऐसा नहीं है कि कृषि के रुपए कम देता है कृषक, लेकिन बहुधा वह रुपये ज़्यादा देता है, लेकिन उसकी ऋणग्रस्तता व्यवस्था के कारण ही ब्याज की ऊंची दर और साहूकार के तरीके से भ्रष्ट होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाता है। तो ये कथन किसका है? यहाँ पे बैंकिंग दी हुई है, लखनऊ बैंकिंग, अरविंद घोष, मुंबई बैंकिंग, मनमोहन सिंह, तो सी आएगा आपका राइट, मुंबई बैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 में पूछ रहा है दक्कन दक्कन कृषक, दक्कन कृषक राहत अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये पारित होता है सन 1869 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ इसका गठन, किसका? अखिल भारतीय कृषि सभा का। अगला क्वेश्चन है नील विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ था या किस वर्ष में हुआ? तो वो होता है 1859 में। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किस वर्ष में हुआ? तो वो होता है 18 फरवरी 1918 में। अगला क्वेश्चन है तेलंगाना आंदोलन कब किस वर्ष आरंभ हुआ? तो ये आरंभ होता है सन 1946, यानी कि भारत के आज़ाद होने से एक वर्ष पहले तेलंगाना आंदोलन शुरू होता है।
तो अगला क्वेश्चन आपका है, एका आंदोलन किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? तो एका आंदोलन सन 1921 में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है आपका, अवध किसान सभा का गठन कब हुआ? तो अवध किसान सभा का गठन 1920 में हुआ। अगला क्वेश्चन आपका है कि सर जॉर्ज कैंपबेल ने कार्ल समिति की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की? तो वो की थी 1866 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका, अंग्रेज़ों ने बंगाल में जूट की खेती किस वर्ष शुरू की थी? तो वो की थी इन्होंने, किस वर्ष शुरू की थी? 1833 ईस्वी में। और अगला क्वेश्चन आपका है, खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष आरंभ हुआ? तो ये आरंभ होता है आपका सन 1918 में। यदि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका ऑप्शन अगर मैं गलत बोल देता हूँ, रॉन्ग हो जाता किसी के तरीके से, तो आप उस क्वेश्चन का नंबर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और मैं अगले वीडियो में उस क्वेश्चन का करेक्शन कर दूँगा। कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि करेक्शन हम कर देंगे। तो अब क्वेश्चन 45 है, तेलंगाना आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो तेलंगाना आंदोलन आपका होता है स्टार्ट कब? 1946 में। अगला क्वेश्चन आपका 46 है, लिखा है कि मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था सन 1921 ईस्वी में। और अगला क्वेश्चन आपका 47 है, बंगाल काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये पारित होता है सन 1885 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपका 48 है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? तो इसका गठन हुआ था लखनऊ में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।